वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संकट से इस समय पूरा देश लड़ रहा है। ऐसे समय में पूरे देश की जनता को बचाने एवं सुरक्षा प्रदान करने में लगे चिकित्सक, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मी और मीडिया बंधु रात दिन परिश्रम कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसे कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर उनका मनोबल बढ़ाने का संदेश दिया था। इसी के चलते आज गवर्नमेंट साइकेट्री हॉस्पिटल रेशम घर में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर और अन्य स्टाफ को सम्मानित किया गया। भाजपा स्टेट सेक्रेटरी अरविंद गुप्ता आज यानी गुरुवार को अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंचे और मेडिकल स्टाफ को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने डॉक्टर कीर्ति भूषण शर्मा, डॉक्टर अभिषेक सिंह चौहान, मैटन मधुबाला सहित पूरे मेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि हमेशा से यही कहा गया है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं और आज महामारी के इस दौर में बात साबित भी हो रही है। इस मौके पर अरविंद गुप्ता के साथ मीडिया सेक्रेटरी बीजेपी डॉक्टर प्रदीप, राकेश चौधरी, राजन गुप्ता और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। ये कोरोना ये डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है हमारा यहाँ पे, तो मैं और मेरी टीम इंक्लूडिंग हमारे सारे पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हमारे सफाई वाला जो मेन हमारा जो है बैकबोन है हॉस्पिटल का, सिक्योरिटी वाले, बाकी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, सारे लोग पूरा डेडिकेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में कुछ केसेस हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे डिस्चार्ज हो गए। तो ये सारी एफर्ट्स हैं हमारे डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, हमारा जो टीम है, जो हमारा टीम वर्क है, उसकी सारी एफर्ट्स हैं। तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं आप लोगों का, अरविंद जी का, डॉक्टर साहब का, कि इन्होंने हमें इस लायक समझा, हमें ऑनर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि पूरा विश्व इस वैश्विक बीमारी से जूझ रहा है और पूरे विश्व में इस टाइम मेरे ख्याल में 32 लाख के करीब केसेस हैं और हमारा भारतवर्ष नरेंद्र भाई मोदी जी की अध्यक्षता में, जैसा प्राइम मिनिस्टर में नरेंद्र भाई मोदी जैसे मिले हैं, उन्होंने प्रॉपर टाइमली भारत को पूरा लॉकडाउन कर लिया, उसकी वजह से हमारे भारत में अभी तक कोई 32,000 के 33,000 केसेस हैं, कोरोना केसेस हैं, और जिसमें से एक्टिव केसेस हैं वो 22,000 हैं, 22,000 हैं। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया था कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जैसे कि मेडिकल स्टाफ्स हो गया, पैरामेडिकल्स हो गया, जो सफाई कर्मचारी हैं, इनकी पूरी रिस्पेक्ट की जाए। मैं टीवी में एक दिन एक प्रोग्राम देख रहा था, एक डॉक्टर अपनी फैमिली से हॉस्पिटल आने के बाद वो फैमिली से मिल नहीं सका, उसकी फैमिली ने उसको जो चाय थी या ब्रेकफास्ट था उसको गेट के बाहर प्रोवाइड किया। और मैं इनके जज्बे को, इन सभी डॉक्टर्स को और ये सभी कर्मचारियों को सलाम करता हूँ और इनके जज्बे को नमन करता हूँ।